नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के कार्यक्रम ज्ञान धारा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो आज की कड़ी में हम सुनेंगे शंपा मुखर्जी जी को, जिन्होंने इनर वर्ल्ड के माध्यम से बताया है कि हम अपने अंदर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं शंपा मुखर्जी को और जानते हैं इस ज्ञान के बारे में और गहराई से। हमारे सेठ मास्टर और हमारे पितामह, दिल से हम सबसे पहले उनके प्रति ग्रैटिट्यूड महसूस करें, दिल से धन्यवाद महसूस करें कि कितने दूरदर्शी हमारे पितामह, जिन्होंने सबके लिए ये ज्ञान चुना कि सबको जानना चाहिए, तभी आप अपनी रियलिटी के बारे में जानोगे। कितने दिनों तक सोचते जाओगे कि कोई और आपके लिए कुछ कर रहा है, और जैसे ही आप जान जाओगे कि अपने अंदर की छड़ी घुमाने वाली छड़ी तो आप ही के हाथ में है, तब आप मैजिशियंस बन जाओगे, राइट? तो सारे मैजिशियंस तैयार, यस, चलते हैं आगे। इनर वर्ल्ड यानी हमारी अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया, अब आप कह रहे हो ये अंदर की दुनिया में ये कैसा चित्र है? अंदर की दुनिया हो क्या रहा है? बहुत ज्यादा पावरफुल है ये प्लेस। ये जगह कुछ ऐसा है कि जैसे आप सोच रहे हो कि मैं कुछ सोच के कुछ करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, उसका साइज अगर एक चींटी जितना है, तो हमारे अंदर की दुनिया की ताकत हजारों हाथी जैसा है। अब आप सोच सकते हो क्या कुछ नहीं कर सकते, कितना ज्यादा पावर है, राइट? तो अब हम लोग, लेकिन ये भी पता है कि बाहर से जो चींटी है कई बार काटती है तो अंदर खलबली भी होती है, राइट? तो हम बाहर क्या कर रहे हैं उसका भी अंदर में इफेक्ट होता है, राइट? ये दोनों चीजें याद रखें। अब जैसे हम लोगों का एक हाथ अंदर की दुनिया में है, अब उस हिसाब से आगे चलते हैं। ये तो बड़ा ही खतरनाक फोटो दिखा दिया, मुंबई वाले इसको आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, ट्रैफिक जैम, है ना? वो ट्रैफिक जैम में हम लोग सारे क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, मुझे जल्दी जाना था, मेरा ये छूट जाएगा, मेरी क्लास छूट जाएगी, और बड़ी अच्छी अच्छी पतली मोटी डैश 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 देते जाते हैं, है ना? परेशान होते रहते हैं, और जब बहुत परेशान आते हैं तो जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, और सामने वाला क्या करता है, उधर से खिड़की से पंख निकाल के कहता है उड़ के जा, है ना? या, सामने भी जगह नहीं है, मुझे समझ नहीं लगती, दिखता नहीं है, तो उड़ के जा। तो हमें हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं पहले कानपुर में एक बार गई थी, तो वहां पे जो सज्जन थे वो हॉर्न भी नहीं बजा रहे थे, खिड़की से गर्दन निकाल के चीख रहे थे, आगे चल। मैं बहुत हैरान, ये क्या हो रहा है? कहते हॉर्न बजाने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करना पड़ता। तो हम आउटर वर्ल्ड में कैसे हो रहे हैं? आउटर वर्ल्ड में हम ना परेशान हो रहे हैं, ये क्या है, किस तरह से हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? या तो आपको गुस्सा आएगा या अपने ऊपर तरस आएगा, मेरे साथ ही सारे टेंडन होते, हम ऐसे रोते रहते हैं। अब जैसे ये ट्रैफिक जाम हमें दिख रहा है, इतनी परेशानी दिख रही है, तो अब मान लीजिए वहीं साथ में एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में कोई जन मजे से सेकंड फ्लोर से देख रहा है। अब जब उसको देख रहा है तो वो देखेगा, अरे ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, क्या जरूरत थी, वो वाली जो गाड़ी है ना उसको हिलाओगे पूरी जैम खुल जानी, उसको कैसे पता चल गया? वो भगवान होगा, नहीं है ना? वो भगवान होगा तभी उसको पता चल गया। यहाँ ट्रैफिक जाम वाले में तो किसी को नहीं दिख रहा था, उसको कैसे पता चल गया? ये है चेतना का स्तर, और वो चेतना का स्तर हम कहां से जान सकते हैं? इनर वर्ल्ड में। यानी ये इनर वर्ल्ड में ही किस स्तर में आप हो, उस स्तर के अनुसार आप चीजों को देखने वाले हो। तो अभी सारे जरा एक बार अंदर से सोच के देखो, आंखें बंद करके खुले जैसे भी, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ट्रैफिक जैम है
यह मैं दूसरे माले से देख रही हूँ, ये माला वर्ड अपने मुंबई का है। कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, किस जगह से देख रहे हैं? क्या मुझे सोल्यूशन नजर आ रहा है या मैं परेशान हो रखा हूँ या परेशान हो रखी हूँ? चॉइस तो हमारा है। नहीं, अभी कहाँ है चॉइस, अभी तो इतने परेशान है, चलिए और जाते हैं। इनर वर्ल्ड जो है, जैसा आप देख रहे हो, ये लिमिटलेस है। लिमिटलेस यानी अनंत। वैसे तो मैंने आपको कहा हजारों हाथी, पर एक्चुअल में इसकी, जब आप इसके एक्सेस में आ जाते हो, जब आप उसके पकड़ यानी आप उसको जान जाते हो, तो आप लिमिटलेस हो जाते हो। जो चाहिए आप वो क्रिएट कर सकते हो, इनफाइनाइट हो जाते हो, अनंत हो जाते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हो। ये शब्द तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़ेदार है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी किसको समझते हैं? जो फंसा है, रुका है, झमेले में हैरान परेशान हो रखा है, राइट? और जो उससे बाहर आ जाए तो हम कहेंगे आप तो अजीब ही हो, आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है अपने अंदर। तो आप सब जैसे सुनते जा रहे हो, अपने अंदर से महसूस करते चलो कि आपकी स्थिति क्या है। तो जैसे हम कहेंगे, अब कोई चीज़ जिसको इनफाइनाइट कही गई, वो इनफाइनाइट जो है अनंत, अनंत को कैसे मेजर करेंगे? ये शुरू हो रहा है, ये बीच में है, ये अंत है, संभव है? नहीं है। तो कब कब मेरे पास कुछ होगा, अभी शुरू होगा, अभी मैं शुरू कर रही हूँ, ये बीच में आ गई हूँ, ये अंत में, ऐसा नहीं है। इनर पावर या अपने इनर वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, जो पूरे इस ब्रह्मांड का नियम है, वो जैसे सर्कुलर मोशन चल रहा है, सब चीज़ें जैसे एक साथ घटित हो रही है। कई बार हमें कई बातें लगती हैं वो पहले हो चुका है, वो अभी ऐसा हो रहा है, बाद में ऐसा होगा। धरती के सिस्टम के हिसाब से हम चीज़ों को लीनियर समझ रहे हैं। लीनियर यानी ये हो चुका है, ये अभी है, ये बाद में होगा। लेकिन इनर वर्ल्ड ऐसा नहीं है, वो अनंत। अब जैसे आप समुद्र में हो बीच में और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई छोर नहीं दिख रहा, तो आप कैसे बताओगे कि कहाँ शुरू था, कहाँ बीच में था, कहाँ अंत था? जैसे आप वो नहीं बता सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही हमारा इनर वर्ल्ड है। हर मोमेंट में आप जहाँ पे भी हो, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है। और उतना बड़ा अगर हो तो कैसे पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे? हमारे पास तो ईजी तरीका है, हमारे पितामह ने ईजी कर दिया, ध्यान से। तो ध्यान से हम लोग सभी इनर वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इनर वर्ल्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या फ़ायदा? अब आप बता रहे हो, अब मैं आप लोगों को लॉलीपॉप देना शुरू करूँगी। जिसको लॉलीपॉप नहीं पसंद बताना, किसी को खाकरा चाहिए तो खाकरा मिलेगा। तो क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? जैसे आप, जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, हम प्लीडियन मास्टर्स को बुलाते हैं, हम सीरियंस को बुलाते हैं, हम आर्कटूरियंस मास्टर को बुलाते हैं, एंजल्स को बुलाते हैं, ये सारी बात बोलते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि आते होंगे, कई बार सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आते होंगे, है ना, कितने दूर से आते होंगे। कई लोगों को, मेरे पास ऐसे ही क्वेश्चन भी आता था, अच्छा इनको अपना काम नहीं होता होगा कि आप बुलाते हो पहुँच जाता है। और अपने पंजाबी में बोलते इन्ने वेले, इतने खाली है, मतलब उनको कोई काम नहीं है, पहुंचाएंगे। तो ये भी लगता है, तो साथ में ये भी लगता है, यार कितने दूर है, कैसा है, किस तरह से। लेकिन ये वो अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, और उन्हें अपनी, जैसे अभी हम लोगों को ये पता है कि अगर हम यहाँ हैं, अगर हम यहाँ हैं तो हम यही हैं, राइट? सूरत में बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं, कहीं और तो हो नहीं सकते, राइट? लेकिन आज ही आप और खास चीज जानने वाले हो, और वो जान के फिर आप सोचोगे ऐसा क्या। वो पावर उनके पास है जो आप लोग कल से सुनते आ रहे हो, मल्टी डायमेंशनल, है ना? सोचते सोचते लगता है यार ये क्या बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल, आज उसको भी मैं ही बताऊं। तो इसी तरह से वो लोग हर जगह मौजूद हो सकते हैं,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स आप खुद देख सकते हो, जाके देख सकते हो कहाँ क्या हो रहा है। जब हम लोग इनर जर्नी कर रहे थे तो उस वक्त हमारे 2020 में चल रहा था, जून में हमारी जो धरती है वो फिफ्थ डायमेंशन की एनर्जी में एंटर कर रही थी। तो उस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अब कहीं होता ना, जैसे आप सूरत जाने वाले हो, अगर मान लीजिए आप कहीं दूर से आ रहे हो तो सूरत कैसा होगा, वहाँ क्या होता होगा, तो आप क्या करते हो, गूगल करते हो, वहाँ का मैप निकालते हो, देखने की कोशिश करते हो, है ना। तो इसी तरह से जब आपको ये पता लगने लगता है, अच्छा ये फिफ्थ डायमेंशन में जाने वाले हैं तो फिफ्थ डायमेंशन कैसा होता होगा, तो उसको जानने के लिए हम लोगों के अंदर भी यही बात थी। तो मेडिटेशन में जब बैठे, वही इनर वर्ल्ड जब गए, तब जो प्लीडियंस हम लोग कहते हैं उनका भी ये फिफ्थ डायमेंशन का है, तो वो हम लोगों को लेके गए। जो हम लोगों के साथ मास्टर्स थे वो लोगों ने देखा था, हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ की एनर्जीज और इन सब के बारे में हमने जाना। अब ये बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोग सुन भी रहे हो, किसी और को बताएंगे, मजाक कर रहे जैसे मेरे बच्चों को बताती हूँ ना कभी, कौन सा नशा कौन सा नशा करती हो जो ये सारे दिखते हैं, तुम ऐसे कैसे बता सकती हो। मजा तब आता है जब उनकी चीजें खो गई और मैं उन वाइब्रेशन को कैच करके बोलती हूँ यहाँ पे रखा है और मिल जाती है, तब वो ऐसे देखते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं नशा तो नहीं कर। तो इनर वर्ल्ड में जब आप उतरते हो तो आप लोग इतनी सारी चीज़ें जान सकते हो कि आप हैरान हो जाओगे। इनफैक्ट हम लोगों का जो नवी मुंबई वाला ग्रुप है उसी में किसी ने एक फ़ोटो डाला था यहाँ का, दादा भगवान आश्रम जी, तो जब मैं उसको देखी तो देखते ही मैं एकदम उछल पड़ी, क्योंकि ये सेथ विजडम वर्कशॉप डिसाइड होगा उससे करीब आई थिंक डिक्लेयर हुआ उससे 3 महीने पहले की बात है। मैं ये पूरा मंदिर ये सारा पूरा देख चुकी थी और मैं ये देख रही हूँ कि नहीं, इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग सब कर सकते हो, मैं वो बता रही हूँ कि वहाँ पर जैसे रिश्ता है और मैं बात कर रही हूँ यहाँ बहुत बड़ा मेडिटेशन होने वाला है, बहुत बड़ा वर्कशॉप होने वाला है, और आप ये मानो ये जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ आप लोग रह रहे हो, मैं वो भी कमरे के अंदर जाके देख चुकी थी कि ऐसे कमरे हैं जहाँ मास्टर्स रहेंगे, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब मेडिटेशन करेंगे। और ये भी देख रही हूँ कि रास्ता कच्चा है, इस सब मेटाफर तैयारी हो रही है। तो ये सारा देखा और जब लास्ट में मैंने वो पिक्चर देखा तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने सबको मैसेज किया, आशा जी को, सबको, कि मैंने ये देखा। आपको तो पता ही मैं थोड़े ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ, तो मैं खुश होकर बताने लगी। तो एग्जैक्टली आप लोग भी ऐसे ही खुश हो सकते हो, जान सकते हो कि ये जो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं उन सबके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये ऐसा है, वहाँ ऐसा काम हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, आप अलग अलग वर्ल्ड्स के बारे में जान सकते हो। प्रश्न है अलग अलग वर्ल्ड्स के बारे में जान के क्या पता चलेगा, बहुत सारी बातें पता चलेंगी, क्योंकि हम लोग सब, जैसे आप अपने बारे में और जानोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी जो पहचान है या जो आप आइडेंटिटी, ये मैं हूँ कह रहे हो, आप उससे कहीं 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 बड़े हो। तो आपको ये पहचान होगी, अरे यहाँ पे भी मैं था, मैं यहाँ पे भी होके गया हूँ। जैसे कल एक और बहुत सुंदर बात हो रही थी कि जब मान लीजिए हम लोग जो कॉलेजेस में होते हैं ना, एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, राइट, वहाँ क्या करते हैं, एक जगह आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो एक टॉपिक पर, वो एक और कहीं पे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ का भी एक्सपीरियंस लेते हो। इससे क्या होता है, जब आप फाइनली ग्रेजुएट होते हो तो आपका नॉलेज पक्का हो जाता है, जैसे हर एंगल से, राइट। इसी तरह से जो अर्थ है उसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली वैसे ही फ्रीक्वेंसी, अर्थ भी हमारा एक स्कूल है या कॉलेज है, तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी में आप दूसरे जगह भी जाते हो
और जब आप इनर वर्ल्ड के थ्रू उनको देखते हो तो आता है, यस मैं इस कॉलेज में भी गया था। तो आपको अपने बारे में ज्यादा जानकारी आने लगती है। जितना भी हमारा फिजिकल मैटर यानी भौतिक आपको आसपास दिख रहा है, ये ऐसा है वैसा है, मेरे भौतिक जीवन में ये चल रहा है वो चल रहा है, वो सारा जो आपके अंदर अनुभव हो रहा है वही बाहर है। इसके अंदर मतलब इसमें यहाँ तक है कि आपका जो जीवन है, आपका जो नेचर है, आपका स्वभाव, वो तक इसमें अफेक्टेड होता है। कई चीजें आप देखते हो जब आप अंडरगो करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर जो चीज है ये सारी क्या चल रही है, गर्म पानी का टेस्ट चल रहा है। अब गर्म पानी का टेस्ट कैसे होता है, कहते हैं आप जो हो वही निकल के आएगा। अब मान लो आप आलू, पोटैटो, आलू कैसा होता है, कड़क, उसको अगर आप दबाने की कोशिश करो नहीं होने वाला, उसको गर्म पानी में थोड़े देर अच्छे से उबाल दो, उसके बाद कैसा हो जाएगा। हम लोग कोई अंडा नहीं खाते पर पहले जानते थे, अंडा बाहर से कड़क होता अंदर से एकदम पिलपिला होता, उसी को गर्म पानी में थोड़ी देर उबाल दिया तो क्या हो जाता है, अंदर से कड़क हो जाता है। इन दोनों को हटा देते हैं, कॉफ़ी है, कॉफ़ी में अगर आपने गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, उसकी खुशबू बाहर आ जाएगी, उसका एसेंस बाहर आ जाएगा। आप क्या हो, आपकी परिस्थिति क्या है, जो आपकी परिस्थिति है आपके अंदर की चीज़ को बाहर ला रही है। इसको दूसरी तरह से हम लोग अगर समझें, सेठ मास्टर एक बता रहे हैं पर हमारे जो डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हैं वो भी उस तरह से बताते हैं कि हमारा जो ये रीइनकार्नेशन हो रहा है, जन्म हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट, आप लोगों ने मोस्टली अलग अलग क्लासेस अटेंड किए हैं और उन क्लासेस में आपने देखा होगा न्यू एनर्जी एसेंशन, कि हम लोग जैसे अर्थ प्लेन में जन्म ले रहे हैं तो हम लोग अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हैं, हम लोग बहुत हाई वाइब्रेटिंग है, लेकिन हम जैसे एक एक डाला कोट, जो जो बाहर ठंड में लद्दाख में गए उनको पता है, या सियाचिन में एक डाला, एक लेयर और लेयर और लेयर और लेयर, इतने भारी हो गए ना, कैसे है ना, हैवी हो गए। तो वैसे ही अर्थ प्लेन में हम लोग एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन करने से क्या फायदा होगा, जैसे हमारी अच्छी सी स्क्रूटनाइजिंग होगी, मेरे अंदर जलन का इतना सा रहता है क्या। शंपा उनको तो बड़े गला लगा रही थी, मेरे साथ तो फोटो भी नहीं खिंचा है ना, वो अंदर से जो है वो थोड़ा बाहर, जो है बाहर। तो इस चीज को, ये तो मैं एक मस्ती कर रही थी, शंपा वाली कोई बात नहीं है, पर यही चीज हम लोगों को समझना है कि जो हमारे अंदर है उसको बाहर लाने के लिए ही ये सारा, कहते हैं ना प्रपंच, मैं अगर बोलूँ तो हिंदी वाला प्रपंच है और हमारे कोई तेलुगु मास्टर बोल रहे हैं इसका मतलब वर्ल्ड है, ठीक है, आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर प्रपंच यानी वर्ल्ड, जो हम लोग बाहर दिख रहा है, झंझट हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो अभी जैसे मैं ये आपको बताती जा रही हूँ, हम लोग को मैंने क्या बोला था कि आप लोग एक हाथ जैसे अपने इनर वर्ल्ड में रखिए, एक आउटर, तो अपने अंदर से महसूस कीजिए मेरे जीवन में क्या चल रहा है। हम लोग साथ साथ चलेंगे, सिर्फ मैं बताती जाऊँ आप सुनते जाओ तो मज़ा नहीं आएगा, हम लोग साथ में महसूस करते हुए चलते हैं, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी बन रही है या बनता हुआ काम नहीं हो रहा है, लग रहा है होगा नहीं हो रहा है, मैं काउंसलिंग कराऊं, मैं समझूं, काउंसलिंग ज़रूर करें, मैं मना नहीं कर रही, पर जितना आप, वो भी आप ही को अपने ही अंदर ले जाने वाला है, तो इसीलिए अपने अंदर से देखते जाइए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर, मेरे बाहर क्या चल रहा है, मेरा आउटर रियलिटी क्या है, वो क्या रहा है, मेरे जीवन में चल क्या रहा है, मेरे रिलेशनशिप कैसे हैं, मेरा फाइनेंस कैसा है, ये सारा आपके अंदर जो है उसी का बाहर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मेरा स्वभाव, पहले मैं बड़ी हंसमुख हुआ करती थी, अभी मैं कैसी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। अगर चिड़चिड़ा या गुस्सा आपके अंदर कभी नहीं था तो ये सीड कहाँ से आया, प्रश्न हमारे अपने लिए है, राइट।
तो ये हमें देखते जाना है कि ये मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है उससे क्या हो रहा है। हम लोग का जो अंदर की जो दुनिया है उसका एक अनंत चेतना है, और जो आप चारों तरफ जो चेतना देख रहे हो, आपके आसपास ये सारा जो कुछ देख रहे हो, सारा वर्ल्ड देख रहे हो, ये आपके इनर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। अब आप देखो, आप सारे, जरा सभी अपना पीठो, आप लोग सारे ही यहाँ सेथ वजडम वर्कशॉप में आए हो, isn't it? और कितने होंगे जो रोज अभी ट्रैफिक जैम में फंसे होंगे, किसी को गाली निकाल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, राइट? पर आप कैसे हो? आपने ये रियलिटी अपने लिए क्रिएट की है। आप लोगों में से कईयों के लिए बड़े मिराकुलस वे से आप यहाँ आए होंगे, राइट? कोई ऐसा है, हैंड रेज कर सकता है? यस, ग्रेट। सी, यू क्रिएटेड योर रियलिटी। चलिए हम इन हैंड रेज वालों के लिए ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अपने लिए क्रिएट किया। हम कर सकते हैं, जो हमारे अंदर की दुनिया है उस अकॉर्डिंग हम बाहर की दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ये अनंत चेतना है हमारे अंदर, जो पूरी दुनिया का, ये हमारे इनर वर्ल्ड में जैसा चल रहा है वही बाहर आपको दिखने वाला है। तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? अब आपके अंदर एक इनर नोइंग है। अब उस इनर नोइंग जो है वो जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में एक शेप लेना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, पर लिमिटेड नॉलेज होने की वजह से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जब हम लोगों के लिए, हम कहते हैं कि मान लीजिए जैसे हम लोग क्रिएशन स्टोरीज पढ़ते हैं, राइट? क्रिएशन स्टोरीज पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि देवी भागवत में, जब हम पढ़ते हैं देवी भागवत में क्या कहते हैं, वही देवी माँ जो होती हैं वो एकदम शांत एक हैं और उनको अपने बारे में जानने की इच्छा होती है, तो वो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाते हैं और उनको बोलते हैं ध्यान करो, उसके बारे में जानो। ये सारा जो है कहानी के रूप में बेसिकली बताने की चेष्टा है कि वो एक बहुत ही हाई एनर्जी है जो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। उसका जो विल है, विल यानी इच्छा, वो इच्छा एक पार्ट है। दूसरा आ गया उसके अंदर ज्ञान, और वो ज्ञान कैसा होगा आप खुद सोचिए। हम कहते हैं आप भगवान हो, आपके साथ, आप ही के अंदर सब कुछ है, वो है उसकी ज्ञान, उतना ज्ञान, और आगे वो कर रहा है। अब वो बीज आप लोग सब लेके अंदर हो, और वो जो लाइट है वो लाइट हम सब के जरिए अनुभव कर रही है, राइट? सबके अंदर जरिए अनुभव कर रही है। अब वो अवनि जी के अंदर जब आई तो अवनि जी जैसे अपने बारे में जानते जा रही हैं, और अवनि जी थर्ड आई मास्टर कितना कुछ अच्छा ध्यान ज्ञान हम सबको बताती हैं। वही जब सारे चक सारिका जी के अंदर है तो वो आपको पूरी तरह से आपके आत्मा के साथ जोड़ रही हैं। अब आप लोग अपने बारे में वो एक्सप्रेशन कैसे कर रहे हो? लेकिन यहीं पर अगर मान लो ऐसा होता है, धीरेन जी सबको अपने बारे में बता रहे, अभी धीरेन जी ये बोले मैं क्या हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं क्या ही कर सकता हूँ, बस मुझे इतना ही आता है, मैं बड़ा ही मुश्किल में हूँ। अब क्या होगा, उस लिमिटेड नॉलेज में अगर रहेंगे तो उनके अंदर की जो प्रतिभा है क्या वो सबके पास आएगी? एग्जैक्टली वैसा आप सबके पास, सेम वही लाइट आप सब हो, जो कल भी हमने रात के मेडिटेशन में किया था, वही लाइट आप हो। लेकिन आप अपने ऊपर क्या ओढ़ रहे हो? अब मान लो ये एक बल्ब है, इसकी रोशनी कितना ही बहुत ब्राइट बल्ब है। अब इसके ऊपर इग्नोरेंस का एक पर्दा लगा दिया, दिख रहा है? आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। क्या करना है,
राइट, अपने अंदर को जानना है, राइट, अपने प्रकाश को सामने लाना है, तब आप जानोगे मैं यूनिक हूँ, मैं इस काम के लिए आई या आया हूँ। तो आप तभी उसको यूटिलाइज कर पाओगे जब आप अपने अंदर की उस ज्योति को बाहर निकालोगे। और ये बात तो सबको मालूम है कि जब तक आप बच्चे जैसा नहीं बन जाते हो, तब तक आप उस किंगडम ऑफ गॉड, वो गॉड का किंगडम कहीं बाहर नहीं बैठा कि भगवान के राज्य में जाना पड़ेगा, अंदर है। उसके अंदर जाने के लिए कल भी क्या था, एनालिसिस साइड में, लॉजिक पर ऐसे कैसे कह सकते हो साइड में, थोड़ा साइड बाद में मिलते हैं, ओपिनियंस पर उन्होंने ऐसे कहा था, फलाने ने वैसे कहा था, कल भी बता रहे थे ना बालकृष्ण सर कि ये दो तीन तीन चार दिन जब आप हो तुमको जरा बाहर बिठा के हो, ज्यादा बीच बीच में आ जाते तो उनको एकदम और भी बाहर बिठा के हो। तो जितना आप पैसे कर दोगे तो आप अच्छे जैसे हो जाओगे, जितने सरल, बोलने का मतलब है जितने सरल हो जाओगे, अपने ही अंदर की परेशानियां आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो आप उस गहराई में, उस मेडिटेशन में जा पाओगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे सेठ मास्टर बोलते हैं कि एंड दिस इज अ ट्रुथ, ये बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, हम लोग उनको आइंस्टाइन की बड़ी बड़ी लॉज, हम लोगों ने इन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट E=mc² बताया, जिससे कि हम ऊर्जा और जो तत्व है मास का कनेक्शन समझ पाए। अगर वो अपने लॉजिक, साइंस है ना, लॉजिक नहीं होगा तो कैसे चलेगा, हर बात लॉजिकल होनी चाहिए, अगर वो उसी में फंसे होते तो कभी भी उनके अपनी इंट्यूशन, अंदर से जो ज्ञान आ रहा था उसको अगर वो यूज़ नहीं करते तो वो आज जो उन्होंने इतने बड़े बड़े चीज़ें हमें बताई वो नहीं बता पाते। ये बात सिर्फ आइंस्टाइन के लिए नहीं सच है, और भी हमारी बहुत सारी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज इसी पर हुए हैं। जब जैसे मैंने बहुत पहले दिखाया था, इस स्लाइड में शायद नहीं होगा, जिसमें कई तरह की चीज़ें, जब हम लॉजिकल माइंड से सोचते हैं कि ऐसे तो संभव ही नहीं है, पर आप गहराई में गए हो उसका उत्तर आ गया है। अगर मैं देखती हूँ स्लाइड में नहीं होगा तो मैं वैसे बताऊंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने इनर वर्ल्ड को विश्वास करना है। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप इंटेंट करते हो, यानी संकल्प करते हो। बार बार हम लोग ये बात कहते हैं ना, संकल्प करो, संकल्प करो, आपके संकल्प में बहुत शक्ति है, तो संकल्प करो तो आप उसमें पा सकते हो। लेकिन इसके साथ क्या रूल है, क्या बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण जी, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी करो पर फल की आशा नहीं करो। क्यों, हद हो गई, काम भी कर रहे आशा भी नहीं कर रहे, आशा बहन किधर, काम में, राइट। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे का ट्रिक बताते हो। जब आप कोई काम कर रहे हो और साथ में आशा कर रहे हो, तो साथ में आप क्या कर रहे हो, उसको लिमिट कर दे रहे हो। आज सुबह ही एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत प्यार से तनुजा जी आई, बैठी और बैठ के कहते हैं कोई मुझे उठाएगा तो नहीं, धीरेन जी क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं। आशा क्या है, जैसी आशा साथ में क्रिएशन, हम लिमिट कर दे रहे हैं, अपने आप को सीमित कर दे रहे हैं। फिर से वही बात है, वो बच्चा गया मम्मी के साथ दुकान में, ये मैं एग्जांपल बहुतों को देती हूँ, कईयों को पता होगा फिर भी बताती हूँ, वो दुकान के पास गया, दुकानदार अंकल टॉफी दे रहे हैं, लो बच्चे पहचान वाले हैं, लो बच्चे टॉफी ले लो, डब्बा पकड़ा ले लो, ऐसे करना है। दो बार बोलता है, उसके बाद अंकल कहते हैं खुद ही हाथ के साथ ले लेता है मजे से। माँ बड़ी हैरान, उसको पता है ये टॉफी के लिए रोज दिमाग खराब करता है, पर ये ऐसे लिया क्यों नहीं, पूछती है क्या बात है बेटा आपने टॉफी क्यों नहीं लिया, मेरा हाथ देखा मम्मा इतना छोटा सा, मैं लेता तो मैं कितना ही ले लेता है ना।
इसीलिए जब हम आशा करते हैं ऐसा होगा तो हम कहीं लिमिट कर देते हैं। तो श्री कृष्ण तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं और हम भक्ति से कहते हैं नहीं, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। पर श्री कृष्ण इंटेलिजेंट है, वो कहेंगे आशा करोगे तो अपने आप को लिमिट कर दोगे। आप खुद सोचो, अगर आप गुजरात टीम पूरे मास्टर्स के बात सुनोगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। इन्होंने एग्जैक्टली इसको फॉलो किया है, इन्होंने बस किया है। 800 लोगों के अरेंजमेंट में आप लोग 1200 लोग बैठे हो, बिल्कुल इन सब के लिए हम लोग ताली बजाएंगे। क्या अरेंजमेंट है, लेकिन इन्होंने कोई आशा नहीं किया कि ऐसा हो जाएगा बोल के, बस किया है, बस किया है। इनर वर्ल्ड से जुड़े, जब भी परेशानी लग रही बैठ गए मेडिटेशन में, इनर वर्ल्ड से जो आ रहा है उसके हिसाब से करते गए। ये चीज़ अब आपको प्रैक्टिस में, इन्होंने प्रैक्टिस में किया है, अब आपको करना है। हम लोग वही प्राइमरी जो कॉन्शियसनेस है, वही मूल चेतना, उसी का ही लाइट एक जीवात्मा के रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। एक छोटे से जीवात्मा के रूप में अपने आप को हम जान रहे हैं। अपने आप को जैसे हम अलग अलग अनुभव कर रहे हैं, वो सारा जैसे हमारी चेतना, हमारा नॉलेज वही एक ही है, स्टोर हाउस वही एक ही है। उस सोल के रूप में हमारा जो इनर वर्ल्ड है, हमारे अंदर की जो दुनिया है और जो इनर पावर है, जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, कैसा एक मैग्निफिशेंट डिजाइन है, बहुत ही सुंदर है। उस अंदर के वर्ल्ड और उस अंदर के पावर के साथ अगर आप जुड़ सको तो जैसे आप लाखों करोड़ों उन यूनिवर्स, उन ब्रह्मांडों के साथ आप जुड़ जाओगे जो आपके बाहर की दुनिया को बना रहे हैं, और उसके साथ आप क्रिएट करने लग जाओगे कि मुझे क्या करना है। और इसकी जो सुंदरता है, इसका जो पावर है, वो कब आप जान सकते हो, कहाँ से पता लगेगा, जब आप गहरी ध्यान, इसीलिए ध्यान के शब्द को वो समाधि स्थिति बोल रहे हैं। तो इतने डीप में आप चले गए अपने अंदर तो आप उस पूरे असंख्य जो पूरा ब्रह्मांड है, इतनी उसकी सुंदरता है, इतनी उसकी खासियत है, उसमें क्या नहीं हो सकता उसके बारे में आप जानोगे। या कई बार वो आपको ड्रीम के रूप में समझ आता है। कितनी ही आपने देखा होगा, कुछ ड्रीम्स हैं जो आपको समझ नहीं आती, कुछ ड्रीम जैसे आपको गाइड करती हैं ऐसे करो। ड्रीम्स के बारे में भी आप लोग सेतु विजडम में बहुत सुंदर जानोगे कि आप अपने ड्रीम्स से जुड़कर आप बहुत ज्ञान पा सकते हो, क्योंकि ये ड्रीम भी आपके इनर वर्ल्ड का जैसे एक प्रोजेक्शन है, एक पिक्चर आपको सामने दिया जा रहा है। अभी क्या होना है, आपको एक बच्चे की तरह होना है। देख रहे हो ये बच्चा कैसे मस्ती कर रहा है, एकदम खुश इस मोमेंट में, इसी मोमेंट में एकदम खुश होना है। और जो अपने अंदर से गाइडेंस आ रही है उसके साथ जुड़ना है। क्या होता है इन जनरल, हम लोग दिमाग में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बना के चलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कितनी ही जगह पर हम जब जाते हैं तो देखते हैं बिल्कुल अलग सिचुएशन है। जब कभी ऐसा हो, आप अपने इनर वर्ल्ड को ट्रस्ट करके देखिए, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस किया, अपने साथ जुड़कर अंदर से क्या गाइडेंस आ रहा है वैसे कीजिए, आप धमाल मचा दोगे, मज़ा आ जाएगा, करके देखिएगा। तो वो जो इनर वर्ल्ड से जैसे सजेशंस आते हैं, जैसे कल हमारा इनर चाइल्ड का वर्कशॉप था, रात शाम को मैं बैठ के, मैं देखिए आप सब ने ऑनलाइन किया है, लेकिन जब आप लोग साथ में हो तो वो कैसा होगा, और उसकी मुझे कंप्लीट ऐसा आया कि ये ऐसा 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 होना चाहिए। तो आपको अपना इनर वर्ल्ड ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से आप सबके अंदर आता है, आप लोगों को लगता है मुझे आया इंट्यूशन, मुझे लगा पर मैंने नहीं किया, अरे मुझे लगा था, कितनी बार आप लोग बोलते हो। अभी क्या करना है, जो लगा था अब उसको थोड़ा सा पकड़ना है, उसको छोड़ना नहीं बोलना है। क्या है, शांति से उसके साथ बैठना है। उसके साथ जब आप बैठोगे तब आपको इनर वर्ल्ड का गाइडेंस, और उसके लिए कैसा रहना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह
इंजॉय करते हुए, खुश होते हुए एनालिसिस, ऐसा थोड़ी होता है। अब आप कोई बच्चा कोई अच्छी बात आपको बताने वाला है और आपको बोले एक चुप बोलेगा वो नहीं, राइट? तो कैसे होना, एकदम एकदम बच्चे की तरह, एकदम मस्त खुले खुले, तब आपको ये आएगा। हम लोग क्या सोचते हैं, ये कल हुआ था, ये अभी है, ये परसों होगा, मैं ऐसे करूंगा, टाइम का। हम लोग ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन कल का होगा, कल सोचेंगे, पर हर चीज़ जैसे इसी मोमेंट हो रही है, इसी मोमेंट। हम लोग सभी कोशिश करें, लेट अस कम इन दिस मोमेंट, फिर से दिस मोमेंट, सभी कोशिश कीजिए दिस मोमेंट। हाथ की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही तो मैं बताने के लिए कर रही हूँ, ये मोमेंट, अपना पूरा फोकस इस मोमेंट, आते जाइए इस मोमेंट, आंखें खुली कोई दिक्कत नहीं, आंखें खोल के कर सकते हो, इस मोमेंट, कम इस मोमेंट, हर सांस छोड़ रहे हैं दिस मोमेंट, दिस मोमेंट। अब जो ये मेरा मोमेंट है, इसी मोमेंट में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नेक्स्ट मोमेंट में फिर उसमें करूँगी। इस मोमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, उसका पावर मेरे हाथ में है, वो पावर कोई मुझसे नहीं छीन सकता, राइट? ये पावर किसी कोई आपसे छीन सकता है? अब यहाँ पर आंधी आए, तूफान आए, पर उस मोमेंट आप क्या कर रहे हो, कल लाइट चली गई, आप लोग ये कर सकते थे, कर सकते थे, आप लोगों ने क्या किया, ताली बजाए, है ना? वो मोमेंट में आपने क्या किया, उसको एम्पावर कर दिया, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे पसीना आ रहा है कि क्या हो रहा है, राइट? सो कैसे आप रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, ये क्लियर होता जा रहा है? तो नाउ नाउ दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, वो छोड़ देते हैं ना, कल क्या किया, पर मैंने ये किया था, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, बाद में करूंगा, वो भी किसी ने नहीं देखा, इस मोमेंट, इसी मोमेंट, इसी मोमेंट, मुझे जो करना है इसी मोमेंट। तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन इसी मोमेंट में है, उसको पूरा करने की शक्ति इसी मोमेंट में है, ये सब कुछ हमारे अंदर है। पूरे ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो आप पूरे तरह से बहुत उन्नत हो सकते हो स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक जगत में, अगर आप अपने इनर वर्ल्ड की गाइडेंस के हिसाब से चलते हो, पूरा चेंज कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ आप लोग ये चैलेंज लो, क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि, हम जिसको हम लॉजिकल बुद्धि सोचते हैं, बड़े लॉजिकल पर्सन, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो मोमबत्ती की रोशनी होती है ना, उतनी जितनी है, और जो इनर वर्ल्ड की जो ताकत है वो लाखों करोड़ों सूर्य के समान। तो कौन सा प्रकाश चाहिए हमें, है ना? ये तो हमें सोचना पड़ेगा। लॉजिकली सब बोलेंगे ये क्या बकवास लगा रखा है, इसका क्या मतलब बनता है, ये क्यों कर रहे हो, पर जब आप उस इनर वर्ल्ड की शक्ति के साथ आप करोगे, तब आप कमाल कर दोगे। तो सिचुएशन, जब तक आप बाहर की दुनिया लॉजिक एनालिसिस से सोचोगे, वो आपको धोखा देने की कोशिश करेगी, वो बाहर से आपको ठगने की कोशिश करेगी। तो लेकिन अगर आप अपने अंदर में जाओ, तो आपके अंदर से सही गाइडेंस आएगा। कहीं पे भी आप जाते हो, ये एक्सपेरिमेंट सबने करना है, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करने वाले हो, कहीं जाना है, कोई डिसीजन लेना है, आपने क्या करना है, अपने अंदर जाना है, उसको महसूस करना है, वहाँ से जो आंसर आता है, उसका जो प्रकाश आता है, उससे करना है। लेकिन मेरा घर में बच्चों की ये दिक्कत थी, उसका वो था, कभी भी ऐसा आएगा ना तो गुजरात मास्टर्स को पूछ लेना उनके घर में क्या क्या चल रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो लोग क्या कमाल कर सकते हैं। ये जीते जाते एग्जाम्पल जैसे आपको नजर आ जाएगा। अंदर बाहर की जितने देर तक आप सोचते जाओगे वो क्या होगा, वो भी हमारी चेक है लॉजिक के, वो भी हमारे अंदर का वो धूल है, वो धूल हम लोगों को बताएगा तुम कहाँ से कर लोगे, नहीं होने वाला, ये लोग वही कर सकते हैं, उनकी बस की बात है, तुमसे नहीं होगा, और अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आपके आसपास मिल जाएगी, हस्बैंड बोलेंगे, जहाँ भी बोलती वहीं चले जाती है,
क्या होगा, कुछ तो नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे ही गुस्सा करती हो, वैसे ही ये सब कुछ करती हो, बोलते हो। पर आपको क्या करना है, आप भी कई बार कोई मेरी सहायता नहीं करता, बड़ी दुखी होते रहते हैं। पर जिन्होंने अपने अंदर से सुना मेरे अंदर से स्ट्रांग कॉलिंग आ रही है, मुझे जाना ही है, वो स्टेप लेते हैं और उसी में एकदम एक पूरा लीप आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और मैं आप सबको दावे के साथ बोल सकती हूँ, आप सब में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। थैंक यू सो मच। जैसे जब एक पेड़ को, बीज को जब हम डालते हैं, छोटू सा बीज, इसमें तो आपको आम का दिख रहा है, लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ का बीज, किसी ने देखा पीपल के पेड़ का बीज, छोटू से एकदम लाल लाल सा जैसे फल सा होता है एकदम, और उसके बीच में जैसे खसखस का दाना होता है ना, उतना छोटा होता है। उसको देख के कहीं आप बोल सकते हो इतना बड़ा पेड़ बनने वाला है? आप लोग सभी वो बीज हो। क्या करना है, उसको अपने इनर वर्ल्ड में लगाना है, और जब लगाओगे वहां से उसको पोषण मिलेगा तो वो उतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, और वो पेड़ पता नहीं कितना ही हेल्प करेगा। तो पूरे एक मैग्निफिशेंट बीइंग्स जो आप हो, उसको आपने बनाना है। जो आपका इंटेंशन है कि मैं अपने अंदर की आवाज को सुनूंगा, उसे इनर वर्ल्ड सपोर्ट। योर इंटेंशन टू लिसन टू इनर वॉइस इज हेल्प बाय इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड आपको जैसे प्रोत्साहित करती है, आपके अंदर की जो आवाज़ है उसे सुनो। इसको आप और कैसे बढ़ा सकोगे, ध्यान से। ध्यान करके आपको अंदर से गाइडेंस आएगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, एकदम से ही आज मैं ये करूँगी, ये करूँगा। मेरे तो जितने भी मैं वर्कशॉप करती हूँ, मेरी इनर गाइडेंस से ही आता है, ऐसा होना चाहिए। और फिर मैं क्या रिजल्ट होगा मैं नहीं सोचती, बस आया है मुझे करना है, और पूरे मजे से मैं करती हूँ। अपने अंदर की इनर नोइंग को ट्रस्ट कीजिए, और ध्यान में जो आपको इनर सेंसेस अंदर से फीलिंग आ रहा है, कैसे कैसे पता लगेगा, किसी को दृश्य दिखेगा, अब सब बोलेंगे आपको दिखता है, जरूरी नहीं है कि दिखना ही है, आपको अंदर से फीलिंग आ सकती है, मुझे करना है, ऐसा हो सकता है, कुछ सुनाई दे सकता है, या एक नोइंग सेंस आ सकता है। नोइंग सेंस मतलब मुझे लगता है ये मुझे करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो उसको पूरा अपने 100% ट्रस्ट करना है। तो जब आप ऐसा करोगे, कंप्लीट ट्रस्ट इनर उसका, तब आप लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, जो गाइडेंस आ रही है अंदर से उसको आप आराम से ले पाओगे। आपकी जो इनर वॉइस है, वो अगर आपकी उस नोइंगनेस से, उस इनर वॉइस से जो आंसर आ रहा है उसको आप नहीं नहीं ये क्या आ रहा है, उसको आप डिस्ट्रस्ट नहीं करो, तब आप उस लिमिटेडनेस से बाहर निकल जाओगे, फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप उस ध्यान की स्थिति में आ जाओ, ध्यान में क्या होता है, हम बाहर की दुनिया को नहीं सोच रहे, गहराई में जा रहे हैं, तब आप वो नॉलेज जो आपके अंदर है, उस बीच के अंदर जो नॉलेज है उस विशाल पेड़ की, उसमें आप आ जाओगे और पूरी तरह से उसमें आगे बढ़ते चले जाओगे। इनर वॉइस क्या करता है, जो अंदर की आवाज़ है वो हमारे इनर पावर को बढ़ाती चली जाती है, और आपका वो इनर पावर जितना बढ़ता जाता है, आपका जो काम करने का डायरेक्शन है वो सही हो जाता है। कितने ही लोगों का आप देखते हो कि वो जॉब कर रहे थे, 9 to 5 कहीं जॉब कर रहे थे, बड़ी स्ट्रगल वाली जॉब थी, कई लोग तो दो दो जॉब्स करते हैं, मैंने सुबह का एक टाइम लिया, फिर शाम का लिया, लेकिन अंदर से अचानक प्रेरणा आई कि मुझे ये करना है। कितनों का बेटर इंडिया का जो भी देखते हैं आप लोग, देखते होंगे, उन्होंने कहा कि मुझे अंदर से ऐसा लगा और वो चले गए। और इसके लिए कोई एज की सीमा नहीं, कुछ नहीं, कोई अपने अमृतसर की कोई एक आंटी है जिन्होंने बेसन का लड्डू बनाना शुरू किया है, उनकी एज करीब 70 के ऊपर है, और उनका हिट, अब वो लड्डू दूर दूर तक जा रहे हैं, एंड शी इज अ बिजनेस पर्सन। तो कोई एज की सीमा नहीं है, आप कितना जानते हो नहीं, अब वो हमेशा उन्होंने घर बार ही संभाला है और कुछ नहीं करती थी, पर आज वो एक फेमस बिजनेस लेडी हैं।
इसलिए कोई भी सीमा जो आप डाल रहे हो अपने ऊपर बस उतना ही है। लेकिन अगर आप उस सीमा से बाहर आ जाते हो, अपने अंदर की आवाज को सुनते हो, तब एक राइट डायरेक्शन मिराकुलस लाइफ आपका हो जाता है। आपका जो इनर वर्ल्ड है वो आपका सच्चा गाइड है, वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। बाहर जो भी बोल रहे हैं सब सुनिए, पर ट्रस्ट अपने अंदर की आवाज को कीजिए, इनर जो आपका वर्ल्ड का आ रहा है आंसर। कभी भी जो मोमेंट में, मान लीजिए कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई जो बड़ी टैंटड़ान वाली हो गई, तो क्या करना है? डिसहार्टन नहीं होना, हाय मैं क्या करूं, कोई बात, बहुत हमेशा आप जैसे सोच के गए हो वैसा तो नहीं होने वाला। इस मोमेंट मुझे क्या करना है, या तो आप पैनिक करने लग जाओ, हाय 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 क्या होगा, या लंबी गहरी सांस लेके, मेरे अंदर से मुझे क्या पता। क्योंकि आप जब पैनिक कर रहे हो तो आप वही स्मॉल आप हो, लेकिन जैसे ही आप अपने साथ इनर वर्ल्ड में जुड़े, आप उस विशाल के साथ जुड़ गए जो बहुत हाई माले में है, राइट, हाई राइज में है। ये तो छोटो वाला कहाँ पर है, ट्रैफिक जैम में, और अंदर के वर्ल्ड के नोइंगनेस में आप ऊपर से देख रहे हो, तो आंसर आपको पता लग जाएगा, अरे मुझे अभी ये करना है ऐसे। तो वो हमेशा रेडी है आपको गाइड करने के लिए, और वो हमारे पास हमेशा है। और जितना आप प्यार में, शांति में और खुशी में रहोगे, वो जो इनर वर्ल्ड का जो पावर है वो और जागृत होने लगेगा, एनहांस हो जाएगा, ईज हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने पिरामिड मास्टर शंपा मुखर्जी जी से जाना इनर वर्ल्ड के बारे में, और जाना कि हमें इसे किस तरह से अपने जीवन में अपनाना है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और ज्ञान की और ध्यान की गहराइयों को समझेंगे। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्ञान धारा के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।